आज हम लोग देखेंगे दनांग सिटी। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। वियतनाम का मैंगो, अरे बाप रे। एवरीवन, तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं दनांग सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे पास आज ही का दिन है, कल हम लोग होटल से चेकआउट करके फिर हम लोग जाएंगे दूसरी जगह पे, होयान पे। सो लेट्स सी, आज हम लोग देखेंगे दनांग सिटी। अभी 10 मिनट हमें रुकने बोला है, 10 मिनट के बाद हमारी मोटर बाइक आएगी, तो उसके बाद आगे सिटी आपको दिखाएंगे, नाइट व्यू। और काफ़ी एक्साइटेड भी है हम लोग। तो अभी मोटर बाइक आ गई है हमारी और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। लेट्स सी, बारिश अभी थोड़ा सा रिमझिम है बट ठीक है, उतनी नहीं है। ये चले राइडर अपने सवारी पे। फाइनली हम निकल चुके हैं हमारी जर्नी के लिए और यहाँ से ना आगे वो जो ब्रिज है, ड्रैगन ब्रिज, वो काफ़ी फेमस है। सो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअली ना एक फायर वाला शो होता है 9 बजे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो स्पेशली अभी हम लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स गो। और अभी रिमझिम बारिश हो रही है। हाँ ओके, सो यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना, क्या बताऊँ उनकी, मतलब इतना लाइटिंग किया ना, मुझे तो ये न्यूयॉर्क सिटी लगा फर्स्ट स्टार्टिंग में। सामने देखिए ये वाला, मतलब एकदम अलग ही कुछ, तो बिल्डिंग्स के ऊपर ही लाइट्स लाइक न्यूयॉर्क सिटी जैसे। तो अभी हम लोग ये ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, पता नहीं अभी ये वही ब्रिज है या नहीं, डाउट लग रहा है थोड़ा सा। तो ये नहीं है, ओके शायद उस साइड है। ओ देखो, ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं। चलो, और ये है हैम रिवर जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ की और बड़ी भी है। और उस साइड है ड्रैगन ब्रिज क्योंकि अभी हमें शायद फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा। द बिल्डिंग, ओ माय गॉड, ओके। अरे हाँ रोड है ना, हाँ रोड तिकड़े जाला ना है, यहाँ जाए। वहाँ पे लोग ज़्यादा तरह से प्लास्टिक, वो तो देखा ही होगा आपने, लेकिन हम लोग जब सापा में गए थे ठंडी के कारण लोगों ने लिटरली प्लास्टिक अपने ऊपर ओढ़ के रखा था। और आई नो वहाँ पे बहुत ठंडी थी प्रोटेक्शन के लिए, बट थोड़ा सा फनी भी लगा, अच्छा भी लगा और कुछ नया भी सीखने मिला। चलो अभी हम लोग पहुँच गए, बस यहाँ से अगर हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया फिर हम लोग पहुँच गए ड्रैगन ब्रिज। फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं और जस्ट मेरे सामने ये वाला, इस प्लेस को बोलते हैं लव ब्रिज। ये लव ब्रिज और ये हैंड ब्रिज, हैंड रिवर के ऊपर है वो, और इसके ऊपर ड्रैगन है। तो इसके ऊपर अभी जो ड्रैगन का जो टाइमिंग है 9 बजे, वो उसके मुंह से पहले तो फायर वो थ्रो करेगा, उसके बाद वो पानी थ्रो करेगा। तो ये दो टाइप है जो अभी आप देखने वाले हैं। तो इसके बाद आगे जाके आपको एक प्लेस दिखाता हूँ जो कि है, वहाँ पे एक ड्रैगन है, ड्रैगन के मुँह में से पानी आ रहा है, जो कि सेम आपको सिंगापुर में को देखने मिलेगा, उस तरीके का ड्रैगन वहाँ पे है और उसको कहते हैं लव ब्रिज। उसकी खासियत है यहाँ पे अगर आपने कोई विश मांगी और उसको लॉक किया तो वो आपकी विश, हाँ लॉक से, अगर लॉक किया तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो चलिए जाते हैं इस ब्रिज के ऊपर। वाह, इतना भारी स्तर है, ऑसम दिख रहा है यहाँ से अभी। तो पता
परेशानी आपको दिख रही है कि नहीं, ये सब हार्ट शेप के कीज एंड लॉक। चलो, ये पूरा वहाँ पे तो कम था बट यहाँ पे तो पूरा भरा हुआ है। अभी रात के टाइम में दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से ये एक छोटा सा ब्रिज भी ऐसे बांध के रखा है, अच्छा है, पूरा भरा हुआ है टाले से। और ये है वो बड़ी क्रूज जो कि मैंने पहले बोला था कि इसका काफ़ी हाई है रेट, जो स्पेशली डिनर के लिए होता है। तो कुछ इस तरह यहाँ का भी ये क्रूज का व्यू है। तो गाइस अभी बज गए 9 और प्रॉपर 9 बजे ये फायर ऑन हो गया है। क्रेजी क्रेजी। तो गाइस यहाँ से आपने देखा रहेगा ड्रैगन का फायर और वाटर वाला शो। तो ये शो देख के अभी हम जाने वाले, सामने एक मार्केट है, उस मार्केट में जाने वाले। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। और वो दानंग का फेमस मार्केट है, दानंग का चीपेस्ट और फेमस बोल सकते हैं। हाँ, सो लेट्स सी, हम लोग भी देखते हैं कि कितना चीपेस्ट है कंपेयर टू इंडिया। हाँ, चलो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने ना यहाँ का मैंगो है वो लिया है, मतलब इसका एक मैंगो कट करके आपको मिलेगा 30,000 डोंग में, जो कि कुछ इस तरह दिख रहा है, देखिए। और यहाँ पे ना ये भी है, ये भी है, देखिए। हम तो मराठी में बोलता पंसा जी घर है। ओके, ये भी आपको सेम 30,000 डोंग में मिलेगा। चलिए अभी हमने लिया ये खा के आपको दिखा दे। तो चलिए अभी पेट के खाने वाले हम लोग। ये देखिए यहाँ की चेयर, देखिए छोटे बच्चों की तरह चेयर है, हम लोग बच्चों को खाते हैं। हाँ, नो नो नो, थैंक यू। वियतनाम का मैंगो, अरे बाप रे, चेक कर दे कैसा है। मीठा कम है, केसरी मैंगो बोल सकते हैं, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है। तो ये हम मार्केट घूमने के लिए आए और इसके अंदर क्या क्या है वो देख रहे हैं। ये तो टॉय सेक्शन है, हाँ टॉय तो नहीं लेना है। और ये क्या है, आर्ट है। अगेन टॉय सेक्शन है। यहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हो और बियर भी पी सकते हो। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्रॉक्स भी है, क्या प्राइस है इसकी, 220। ओके, 220 क्रॉक्स 700 का, मतलब इंडिया में तो 2-3 हज़ार के ऊपर मिलता है। 2-3 हज़ार वाला चीज़ आपको 700 में मिल रहा है तो क्यों लेंगे आप। ये